छेड़छाड़ को लेकर बीती रात जूनी इंदौर क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमले की घटना सामने आई है। फिलहाल घायल युवक का गंभीर हालत में आम्बा अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के गुलजार कॉलोनी की है, जहां छेड़छाड़ को लेकर मोहम्मद आरिफ और उसके साथी मोहम्मद आसिफ पर हमले की घटना सामने आई है। दरअसल दोनों चंपा बाग में रहते हैं और मैकेनिक का काम करने ट्रांसपोर्ट नगर जाते हैं। कल दोनों गुलजार कॉलोनी के पास उनके मामा के घर गए थे, जहां पर आरिफ किसी लड़की से बात कर रहा था। इसी बात पर हमले की बात सामने आई है। हम जो है ट्रांसपोर्ट नगर से घर जा रहे थे मुवानी के, वहां से तो मुवानी के वहां पे हम बीसी के पैसे देने जा रहे थे। हम वहां पे घर में बैठे तो भाई बैठा हुआ था, हमने डायरेक्ट गाली गुफ्तार करी आके हमारे से, और बोलता तुम्हारी वहाँ का तुम्हारी बहन का यहाँ बेटा बाटी मत करो। उनने डायरेक्ट उठा के चाटा मार दिया, तो हम घर निकल गए वहाँ से। फिर हमारे को चुराए पर उनने घेर लिया चार पांच लोंडों के साथ में, तो उसके कहने कोई तलवार और चाकू थे। मेरे भाई को उनने इतना बड़ा 24 का सामान निकाला, कड़कड़ खोला और मेरे को भी धर लिया। तो मेरे को एक चाकू यहाँ मारा, तो मैं डायरेक्ट उधर मैजिक को उधर फेंका मेरे को उठा के, और मेरे भाई के अंदर बीच रोड पर चाकू मारे और बेवस हो गया। मैं उसको उठाने गया तो फिर मेरे पीछे भागा हो, बोले तू भी आ। तो मेरे को जैसे पकड़ने लगा तो मैं उधर भाग के दो तीन जनों को बोलने गया कि देखो मेरे भाई को चाकू मार रहे। तो वहाँ पे किसी ने भी नहीं बचाया उसको, और ना किसी ने उठाया। और मोबाइल लड़की के पीछे मोबाइल, दोनों मोबाइल छीन लिया हमारे। जेब में 8,000 रुपये थे, 8,500 रुपये ऐसी कैसी पूरे निकाल लिए, क्योंकि भाई बेवस पड़ा हुआ था और मेरे पीछे वो चाकू लेके भागा। एक जने ने ऐसी तलवार लेके मारी मेरे को। ये गुलजार कॉलोनी चौराहा नमक गोदाम, हम लोग चंपावाग रहते हैं और चंपावाग से हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर काम करने जाते हैं। मैकेनिक काम करते हैं हम ट्रांसपोर्ट नगर में। और ये जो मेरा सगा भाई है मामू का लड़का, उसको हम दोनों जने, क्योंकि हमारा दिल्ली का आने जाना था वहाँ से, उसका मोहम्मद आरिफ नाम है और मेरा मोहम्मद आसिफ नाम है। हम दोनों जनों को यानी रोड पर हम निकल ही रहे थे, तो हमने सोचा वो कम से कम 8-1 जने थे, 4 जनों ने पकड़ा था और 2 जने ने उसको रोड पर लेटा दिया था। रोड पे लेटाने के बाद पलटी मार के भी चाकू मार रहे थे उसको, 4 चाकू यहाँ मारे, 1 चाकू यहाँ मारा, फिर 6ठा चाकू मेरे को भी मार दिया था। तो मैंने उसको बचाने गया तो मेरे ऊपर भी तलवार लेके लपका हुआ। मोबाइल दोनों मोबाइल छीन लिया हमारे, और उसके कहने दोनों मोबाइल तो, और पर्स भी छीन लिया हमारा। ऐसे में झगड़ा ये हुआ था कि हम घर के अंदर बैठे हुए थे मामू के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो भाई जो उसकी औरत से बात कर रहा था चढ़ाऊ के वहाँ पे बैठ के, ऐसी भाभी खड़ी हुई थी मेरी और ऐसा मेरा भाई खड़ा हुआ था, और मैं घर में गेम खेल रहा था बैठे बैठे। तो उनने वो आया बोले तुम्हारी वहाँ का यहाँ बेटा बाटी मत कर, तो मेरा भाई ने बोले आप गाली क्यों पकड़ो। तो उनने मेरा भाई ने इतना बोला और इतनी देर में उनने उसको चाटा मार दिया। तो मेरा भाई ने बोले तुमने चाटा क्यों मार। हम लोग मामू के वहाँ से निकले, बातचीत करके मामू ने हमारे को समझी थी, हम घर जा रहे थे, वो घर जाते जाते उनने नमक गोदाम उनके चौराहे पे घेर लिया हमारे को, और वहीं पे चौराहे पे घेर के वो भड़ा भड़ा हमारे अंदर चाकू बिना दिए। मेरा मोहम्मद आसिफ नाम है। हमले में आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में जूनी इंदौर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।